तो दोस्तों, पूरे दुनिया में भारतीय कार बाजार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और ये तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। आने वाले समय में तो 2025 तक हम पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर बना लेंगे, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखे तो वो है यहाँ पर पार्किंग को लेकर। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहीं ना कहीं एकदम बीच में कार घुसा देंगे, रोड के बीचों बीच पार्क करके चले जाएंगे, और ये समस्या हमारे जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहां पर काफी ज्यादा है। और इसी बात को गंभीरता से लेते हुए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अब एक नया कानून लाने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने कहा कि गलत जगह पार्क करने वाली गाड़ी की अगर कोई फोटो भेजेगा तो उसको तो ₹500 इनाम में दिया जाएगा, और जल्द ही इस तरह के अनोखे कानून को लाने के लिए अब वो तैयारी चालू कर रहे हैं। वैसे उन्होंने ये कहा कि सड़क पर पार्क कर दी जाती है गाड़ियां, जिससे चलने में भी काफी ज्यादा खासी दिक्कत होती है और साथ ही में यहाँ पर ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। और काफी बार आपने बेहद ही हैरान कर देने वाली फोटो भी देखी होगी जहां पर लिखा तो है रोड में कि नो पार्किंग, लेकिन वहां तो इनफैक्ट पुलिस की गाड़ियां भी पार्क कर दी जाती है। तो सोचिए, अगर पुलिस इस तरह का काम कर रही है आम जनता से, फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, गडकरी जी ने यहाँ पर बताया कि मान लीजिए अगर रोड पर कोई कार खड़ी है और अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल को यूज करके फोटो क्लिक करके भेजेगा, तो मान लीजिए जिसकी गाड़ी थी उससे ₹1,000 वसूला जाएगा और उसमें से ₹500 उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने फोटो खींची थी, और इससे पार्किंग की समस्या दूर हो सकती है। ये काफी मतलब सिंपल तो है लेकिन थोड़ा फनी भी है, बिकॉज सब पर तो नहीं ट्रस्ट किया जा सकता। यहाँ पर किसी तरह की भी फोटो को एडिट या कुछ भी करके पेश किया जा सकता है, जिसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस भी खड़े हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसके कॉन्स को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए। वैसे गडकरी जी ने अपने ही घर का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि उनका जो नागपुर हाउस है वहाँ उनके रोटी बनाने वाले के पास भी सेकेंड हैंड दो गाड़ियां हैं। और ऐसा अक्सर आपने अमेरिका में देखा होगा जहाँ पर ऑलमोस्ट सबके ही पास यहाँ पर गाड़ियां होती है, बिकॉज डिस्टेंस इतना ज्यादा लंबा लंबा होता है कि गाड़ी के बिना यहाँ पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। बट इंडिया में भी इस तरह का ट्रेंड अभी निकलता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में तो एक परिवार में चार लोग हैं और छह छह गाड़ियां हैं, और वहीं अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोग घर तो काफी बड़े बड़े बना लेते हैं बट पार्किंग ही नहीं बनाते, और फिर नतीजा सड़क पर पार्क करके ये लोग चले जाते हैं। सो इस पर अब रोक लगाने के लिए यहाँ पर कड़े कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।